गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे तड़कते भड़कते न्यू ब्लॉग्स में। तो गाइज आज हम जा रहे हैं जौनपुर और कुछ नया आएगा, मतलब ब्लॉग काफ़ी अच्छा बेहतरीन आएगा। तो कई दिनों के बाद हम फिर से ब्लॉग डाल रहे हैं, जौनपुर जा रहे हैं, तो फाइनली गाइज तो ब्लॉग अच्छा ही आएगा। तो गाइज आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वक्त, तो बिना वक्त लिए हम चलने दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग पुल को, अगर ऊपर से पुल पे से छलांग लगाएंगे तो तकरीबन 1.5 मिनट लगेगा आपको पानी में टच करते हुए। तो गाइज पहले भी ब्लॉग स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वक्त, तो मैं वक्त नहीं गवाऊंगा, आपका भी और मेरा भी। तो वीडियो शॉर्ट में करके दिखाते हैं सीधा जौनपुर पहुँचने के बाद, फिर उसके बाद जौनपुर में एंटर करने के बाद आपको शॉर्ट में वीडियो दिखाएंगे जल्दी जल्दी फटाफट। तब तक के लिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं जौनपुर एंटर करने के बाद, ठीक है गाइस? तो चलिए चलिए चलिए। लोग और जौनपुर के करीब होते जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस पे बोर्ड पे देख सकते हैं आप लोग, 26 किलोमीटर जौनपुर यहाँ से पड़ेगा। तो गाइस जौनपुर में जो कि हम लोग इंटर कर चुके हैं और जौनपुर में इंटर करने के बाद जौनपुर की फैसिलिटी हम लोग आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए जौनपुर की यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, जूम करके हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विद्यालय जौनपुर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यही है भाई। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे मिल सकते हैं, हम आपको इसमें एडमिशन दिला देंगे। अगर इसके अंदर का ब्लॉग चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, इंशाल्लाह वो भी ब्लॉग जल्दी आएगा। तो चलिए अभी चलते हैं, बहुत ज़्यादा वो व्यूज है प्यारा प्यारा, आगे चलने के बाद आप लोगों को दिखाएं। तो गाइस कैमरे में तो दिखा ही होगा कि ये गाड़ी वाला हम लोगों का हाथ एकदम बाल बाल बचाते हुए गया है। तो चलिए आगे चलते हैं आगे। और सब है जौनपुर की यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुल रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, हम आपको पूरा दिखाएंगे। ये देखिए तकरीबन अगर हम इसके अंदर घूमें तो हमें एक हफ्ता लगेगा। तो गाइस 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर में ये है मेडिकल कॉलेज, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना हो तो हमसे संपर्क करें, यानी कि हमसे मिल सकते हैं, आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। आप गाइस हम लोग आप लोगों को और ज़्यादा दिखाते हैं जौनपुर पहुंचने के बाद। लेकिन यहाँ पे आप लोग पीछे के देख सकते हैं, यहाँ पे बारिश होने लगी है, इसलिए हम लोग एक जो है टपरी है वहाँ पे रुके हुए हैं। भैया 20 की है, 10 की है, नहीं नहीं नहीं, तो भैया ने हमको जलेबी दिया है 10 की। भैया देखिए मुस्किया आ रहे हैं, देखिए भैया जलेबी दिए हमको 10 की, अब हम जा रहे हैं खाएंगे, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक हम जलेबी खाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टली जौनपुर के अंदर। जैसा कि जौनपुर में हम लोग आए थे ब्लॉग बनाने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पूरे जौनपुर में इतनी मतलब कंटिन्यू हुई 3 घंटा लगातार बारिश की वजह से, यहाँ पे भरपूर बाढ़ आती हुई नजर आ रही है आप लोगों को, पूरा रोड यहाँ पे डूबा पड़ा है और गाड़ी वाड़ी सब यहाँ पे ऐसे वैसे जाना पड़ रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताना, अगर ऐसे में हम ब्लॉग बनाएंगे तो भाई हमारा मतलब एम करते हैं हम तो ऐसे करते हैं 500 सब्सक्राइबर के लिए, बट आप लोग सोच लेना भाई, इस बार में हम लोग गाड़ी चला के आए हैं यहाँ पे जौनपुर ब्लॉग बनाने के लिए, तो भाई आप लोगों को कुछ करना चाहिए ना, सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काफी ज्यादा बाढ़ है और बहुत। तो भाई जैसा कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे राजा साहब की हवेली पे आ चुके हैं, राजमहल इसको कहा जाता है। तो अभी हम जाएंगे सीधा इंटर करेंगे अंदर की साइड, तो अंदर की साइड का भी आपको दिखाएंगे कितना प्यारा और कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग आ रहा है यहाँ पे। देखिए राजा सिंह की हवेली पे हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली, अन्ना भाई हम लोगों को लिवा के आ चुके हैं राजा सिंह की हवेली पे। तो राजा सिंह की हवेली पे हमें रानी मिले, रानी को देखने नहीं आए हैं, राजा सिंह की हवेली को दिखाने लाए हैं, तो कितना प्यारा व्यूज आ रहा है। तो इसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो चलते हैं अंदर की साइड, अगर जाने देंगे तो अंदर की साइड हम लोग ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब गार्डन है, यहाँ पे मतलब
मेल फीमेल मैरिज मान हो गया अभी। यहाँ पे मैरिज क्या चल रहा है भाई? ये तो मेल फीमेल लग रहे हैं। हाँ वो मेल फीमेल, रात यहाँ पे शादी बुकिंग होती है, मैरिज मान हो गया। अच्छा तो अन्ना भाई जैसे कि बताया यहाँ पे यार कितना प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। तो सीधा चलते हैं अंदर, अगर जाने देंगे तो चलेंगे। अंदर एंट्री नहीं, अंदर एंट्री नहीं, अंदर एंट्री नहीं। अन्ना भाई बोल दिया तो एंट्री नहीं है, यहाँ पे भी। तो हम आपको गार्डन दिखा सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है यहाँ पे, देखिए। हाँ एक राउंड और घुमा दीजिए, बहुत प्यारा आ रहा है यहाँ पे। राजा साहब तो राजा सिंह मतलब जहाँ बाथरूम यानी कि लैटरिंग वेटरिंग करने जाते थे, तो राजा जी की लैटरिंग यही है। बरसातन टॉयलेट वही है ना। ये हवेली जो है पूरे जौनपुर में एक ऐतिहासिक प्लेस है, इसका नाम है भाई राजा साहब की हवेली। राजा साहब की हवेली इसका नाम ही है। राजा साहब जी सेठ ने 5 साल के लिए लीज करवा लिया है। अच्छा, पट्टा करवा लिया है। तो वो जो है इसको लीज करवा के अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाए हैं, प्लस इसको बना दिया मैरिज लॉन्ज। मैरिज लॉन्ज मतलब 5 लाख की बुकिंग मिनिमम स्टार्ट है, 16 लाख की बुकिंग तक जाती है। अच्छा तो चलिए अन्ना भाई बताया, अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि राजा साहब जिस घोड़े से जंग लड़ने जाते थे, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम वो चीज दिखाने जा रहे हैं जो आपने कभी ना देखी होगी। क्योंकि राजा सिंह इसी घोड़े से जंग लड़ा जाया करते थे। राजा सिंह तो नहीं रहे लेकिन उनका घोड़ा है अभी तक। ये देखिए राजा सिंह इसी घोड़े से जंग लड़ा करते, इसी घोड़े से। तो राजा सिंह की जो बाथरूम यानी कि टॉयलेट ये सब करने का जो है वहाँ से ठिकाना यही है राजा सिंह का, ये देख सकते हैं आप लोग। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि गार्डन आपको कैसा लगा और राजा सिंह की हवेली कैसी लगी। अगर प्यारी है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। एम करते हैं 500 सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है, 500 सब्सक्राइबर। देखिए पीछे राजा सिंह की हवेली देखिए, मैं आपको बैठे भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर रात में ये बुकिंग होती है, रात को बुकिंग का सीजन खत्म हो गया है। अच्छा, जब सीजन चलता है लगन चलती तब ये बुकिंग होती है। बड़े बड़े सुनार बड़े बड़े सेठ आते हैं यहाँ पे शादी करते हैं। लोकल नहीं, जैसे बनारस देहरादून से आके यहाँ शादी करते हैं। अच्छा, 5 लाख से स्टार्ट होती है, 16 लाख की बुकिंग की जाती है। जैसे बुकिंग रहती है उसी हिसाब से सजाया जाता है। बुकिंग के लिए संपर्क उनसे करा है? नहीं नहीं नहीं, ये राजा साहब भगेलू राम स्टेट हमारे हैं। अच्छा, तो अब तो पूरा हो गया, आप बता चुके हैं आप। तो ये राजा सिंह के घोड़े के बारे में हमने पहले ही बताया था, जो जंग करने के लिए जाते थे। ये राजा सिंह का घोड़ा ये बहुत ही प्यारा उनका लकी घोड़ा था, क्योंकि जिस बार इस घोड़े पे बैठ के गए उस बार जंग जीती। वो तो खुदा ने कहा पता नहीं क्या हो गया मतलब उनके साथ ही, एक बार इस घोड़े में बैठे घोड़ा तो वापस आया, राजा सिंह आए नहीं। तो हमारे अन्ना वो उजैर भाई जो है कि जा रहे हैं बाथरूम और टॉयलेट, हम भी जा रहे हैं। कोशिश हम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन अंदर जाना मतलब एकदम मना है भाई, अंदर नहीं जाने देते। क्योंकि बहुत लोग होते हैं मतलब ऐसा होते हैं ना जो गुटखा उटका खाते हैं, ये सब करते हैं, अंदर जाके भाई धूप मचा देते हैं, ये सब मचा देते हैं। इसलिए अंदर जाना अलाउड नहीं हम लोगों का, वरना अंदर हम ज़रूर जाते, आप लोगों को वीडियो दिखाते। तो कैसी लगी वीडियो गाइस ज़रूर बताना। आई होप कि आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी के साथ चैनल को लाइक कर डालें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर डालें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग हार्ड लगा हो तो एम करते हैं 500 सब्सक्राइबर के लिए, 500 भाई कंप्लीट करा देना। अपने भाई को सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके भाई।